एक कैमरामैन बनकर आया है। तो जब उसके पास जो काम दिया गया है उस काम को वो कर रहा है, तो उस समय उसको वही संज्ञा दी जाएगी कि वो कैमरामैन है। अभी थोड़ी देर बाद वो कैमरा छोड़ करके हमारी देशना सुनने बैठ जाएगा। देखना, थोड़ी देर बाद वो देशना सुनने बैठ जाएगा, तो उस समय उसकी संज्ञा अब दूसरी होगी। क्या? वो एक श्रोता हो जाएगा, जैसे आप लोग हैं। ठीक है राजकुमार भैया, नाम आपका राजकुमार है, लेकिन आप राजकुमार हो क्या? बोलो, हो क्या? आपके पिताजी राजा हैं? नहीं है। तो आपकी नाम संज्ञा है राजकुमार, लेकिन आप वास्तविक राजकुमार नहीं हो। तो नाम निक्षेप की अपेक्षा से आपका नाम राजकुमार है, लेकिन जब नय की बात करते हैं तो एवं भूत नय कहता है कि जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा कह देना। राजा की सिंहासन पर बैठा है तो राजा कहलाएगा, और राजकुमार के पद पर है तो राजकुमार कहलाएगा, लेकिन सबकी अलग-अलग उपयोगिताएं हैं। माँ, आप माँ ही हो क्या? हम कह रहे हैं माँ ही हो, लेकिन आप क्या कह रहे हो? हम माँ ही नहीं। अब आपकी अपेक्षा दूसरी है और हमारी अपेक्षा दूसरी है। आप मां ही हो, क्यों? आप अपने बेटे के लिए मां ही हो। कई जगह ही भी लगाना पड़ता है, कई जगह भी लगाना पड़ता है। इसलिए स्यात्वाद नय को समझना पड़ेगा। अपेक्षा मतलब कथनचित अपेक्षा या स्यात् शब्द कहो, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आया? कुछ की नहीं, दो शब्द हैं, एकांत और अनेकांत। आप एकांत मानते कि नहीं? हाँ, नहीं मानते तो आप मिथ्या दृष्टि हो। अनेकांत मानते कि नहीं? मानते हो तो सम्यक दृष्टि हो, लेकिन जो एकांत को नहीं मानता, अनेकांत को मानता है, वो मिथ्या दृष्टि ही है। जो भी नए होते हैं वे सब एकांत होते हैं। बोलो, एकांत का अर्थ क्या है? बोलो, एकांत का अर्थ क्या है? अंत का अर्थ होता है धर्म, और एक धर्म जिसका है वो है एकांत। तो नए केवल एक ही धर्म को कहता है। ठीक, समझ में आ रहा है? हाँ शुभम, समझ में आ रहा है? जो नए होता है वो केवल वस्तु के एक देश को कहता है। जैसे कि आपने हाथी की सूंड को देख लिया तो क्या पहचान गए? कि हाथी है, लेकिन देखा किसको? केवल सूंड, उसके एक अंश को देख लिया तो क्या समझ में आया कि वहां हाथी है। तो एक देश का व्याख्यान कर देने से पूरे वस्तु का ज्ञान हो गया। एक नए के बारे में कहा गया, एक वस्तु के बारे में कहा गया, तो समझ में आ गया कि वस्तु क्या है। तो नए से भी ज्ञान होता है, प्रमाण से भी ज्ञान होता है। अब वहां प्रश्न है कि आप माँ ही हो कि माँ भी हो? हाँ, माँ ही नहीं हो, माँ भी हो और माँ ही हो। किस अपेक्षा से? जब आपका बेटा आपके सामने होगा तब आप कहोगे हम माँ ही हैं। किसके लिए? केवल बेटे के लिए, पति के लिए नहीं। तब क्या कहोगे? हम माँ भी हैं और हम बेटे की माँ भी हैं। हाँ? क्या कहोगे? हम पति भी हैं, हम बेटी भी हैं, हम बुआ भी हैं, हम चाची भी हैं, हम सास भी हैं, हम बहू भी हैं,
जगत में जितने भी रिश्ते हैं होते कि नहीं, ये सब नयों से ही तो जानते हैं। हम अभी कौन है बोलो, अभी कौन है हम, अभी कौन है, अभी वक्त, इस वक्त कौन है? अभी केवल हम यहां वक्ता हैं, जो बोल रहा है वो वक्ता है, जो सुन रहा है वो श्रोता है। एवं भूत ने कहता है ऐसा, समझ में आ रहा? तो इतना ध्यान रखना कि जब भी कोई किसी से बात करता है, जिन शासन में किसी भी बात को मना नहीं किया जाता, ना नहीं कहना, जैसे मां ने कहा ना, हम एकांत को नहीं मानते, लेकिन अब मानते कि नहीं, मानते हैं, मानते ना, लेकिन एक एकांत मिथ्या है, एक सम्यक एकांत है। हम मिथ्या एकांत को नहीं मानते, जहां वस्तु को लोग क्या करते हैं, वस्तु नित्य ही है, मतलब हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे पक्षी हमारे पास है। यदि मिथ्या एकांती जीव होगा तो वो क्या कहेगा कि वस्तु ऐसी ही रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब जबकि वस्तु परिवर्तित होती हुई देखी जाती है, इसलिए उसकी बात मिथ्या हो गई। इसलिए एकांत को समझना है, क्योंकि बिना एकांत में जाए मोक्ष नहीं मिलता, और अनेकांत को जाने बिना भी मोक्ष नहीं मिलता। एकांत का तात्पर्य समझ में आ गया कि वस्तु में एक जो धर्म है उसकी जो व्याख्या करेगा उन्हें एकांत ही होते हैं। इसलिए समझना पड़ेगा नए और प्रमाण को। आज तक हम अनविग्रह रहे, किससे माना, मां आप लोग माना कि भैया राजकुमार जी आप यात्रा के लिए जा रहे हैं और कहीं एकाक्षी दिख जाए आपको, कौन, क्या बोलते हो एकाक्षी को, काना व्यक्ति मिल जाए तो क्या करते हो? अरे अपशगुन हो गया, बोले आज की यात्रा कैंसिल है, कल जाएंगे हम। बोले थोड़ा रुक जाओ, क्यों, क्योंकि अपशगुन हो गया। ऐसे ही सुनो बिनी भाई, एकाक्षी लोगों से बच के रहना, एकाक्षी लोगों से बच के रहना। क्यों कह रहे हैं ऐसा? जैसे मार्ग में जाते समय कोई एकाक्षी मिल जाए तो हमारी यात्रा में विघ्न आ जाता है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग की यात्रा आपकी चल रही है, चल रही कि नहीं? आप सब लोग मुमुक्षु हो ना, नहीं हो, मुमुक्षु हो कि नहीं, कौन से वाले, हाँ, मोक्ष जाने का इच्छुक हो इसलिए मुमुक्षु हो, लेकिन पेटेंट कहां हो गया, कहां पहुंच गया मुमुक्षु शब्द उन लोगों के लिए जो मुमुक्षु है ही नहीं, मिथ्या दृष्टि है, उनकी कल्पनाएं विपरीत हैं, उनको हमने मुमुक्षु शब्द दे दिया। अरे थोड़ा विचार तो करो, कहां पहुंच गए मुमुक्षु शब्द को लेकर के, विचार करना पड़ेगा। तो जो मोक्ष के इच्छुक हैं वो मुमुक्षु हैं, तो आप लोग हो कि नहीं हो? जैसे यात्रा में जाते समय अपशगुन हुआ, एकाक्षी दिख गया तो अब लौट कर आ गए, मतलब विघ्न हो गया, ऐसे ही मोक्ष मार्ग की यात्रा है, उसमें यदि आप नए की दृष्टि को नहीं समझे तो आपकी यात्रा में विघ्न आ जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी ने कहा है, जे नए दिट्ठी भीणा तेसिम नाउ स्वभाव उपलब्धि वस्तु स्वभाव भीणा, वस्तु स्वभाव भीणा सम्मा इट्ठी काम होती। यदि सम्मय दृष्टि जीव बनना है तो पहले नए की दृष्टि को समझो। भाई बिनी
तुम कौन हो? देखो यहां जो नए चल रहा है उसमें जीप फंस जाता है, थोड़ा सोच समझ के उत्तर देना। अभी एक मां फंस गई थी, उनने उत्तर दे दिया झट से, थोड़ा सोचना हमारे सामने, तो सोचना एक बार, सोचना जरूर फिर बोलना, ठीक है? मां एक प्रश्न पूछते हैं, पिनी से बाद में मिलते हैं, एक बार और पूछेंगे। राजकुमार भैया, आपके घर में पानी की बाल्टी है क्या? बोलो, आपके घर में दूध की कैन है कि नहीं? बाल्टी नहीं है, काय की बाल्टी है जो पूछ रहे हैं? हैं? कहते क्या हो लेकिन? अब यहां नहीं, घर में जब कोई कहता है दूध की कैन ले जाओ, दूध लेकर आओ, तो क्या करते हो, क्या कहते हो? स्टील की, क्या बोलते हो जब दूध लेने जाते हो? क्या बोलते हो बताओ? मैं तो बस दूध की कैन दे दो। तो इतना बता दो मां कि कौन से शहर में दूध की कैन बनती है? बताओ बताओ बताओ, कौन से शहर में पानी की बाल्टी बनती है? बता दो बस, बोलो, बनती क्या? फिर लोग बोलते हैं गेहूं की टंकी रखी है उठा लाओ, गेहूं का बोरा रखा है उठा लाओ, कहते कि नहीं? बोलो, आटा पिसवा के ले आओ, कहते कि नहीं? बोलो बोलो, ये शब्द नहीं आता कि गेहूं का, नहीं बोलते, आटा पिसवा के लाओ। जो पिसाई है उसको क्यों पीस रहे हो? सोचना पड़ेगा। तो आप झूठ बोलते कि नहीं? लेकिन आगम कहता है ये झूठ नहीं है, व्यवहार झूठा होता है, लेकिन उपचार से जो वस्तु जिसमें रखी होती है उसको वैसा कह दिया जाता है। इसलिए क्या कहना? दूध की बाल्टी ले आओ, कहते कि नहीं मां? व्यवहार से कहा जाता है कि दूध की कैन है, पानी की बाल्टी है, लेकिन जब निश्चय दृष्टि से अब जाएंगे तो सोने की बाल्टी है तो सोने की ही है, तब वहां घटित होगा विषय। समझ में आया? ये विषय समझना है। बगल में कौन बैठा है आपके? बोलो बोलो। हाँ, आपके बाजू में कौन है? देवरानी है। अरे भगवान, आपने देवरानी देख लिया, और बाजू में कौन बैठा है? जेठानी है। देखो यहां भी नए लगाओ, कोई किसी से बड़ा है, कोई किसी से छोटा है, उम्र की अपेक्षा से ये बड़े हैं या छोटे हैं आप? तो देवरानी और जेठानी का संबंध आपने घटित कर लिया, लेकिन यदि ये सब व्यवहार की भाषा है, लेकिन जब हम निश्चय दृष्टि से बात करते हैं, निश्चय नहीं की दृष्टि से जब हम बात करते हैं, तो कौन है वो? कौन है वो? ये जीव द्रव्य है भगवान आत्मा, तो बाद में कहना, पहले जीव द्रव्य को देखो। विकार कब आता है? जब हम पर्यायों को देखते हैं। जब भी विकार आएगा हमारे भीतर, केवल पर्याय दृष्टि से ही विकार आता है। यदि मां आप जेठानी देवरानी नहीं कहते ना, तो अभी विवाद हो जाता। तो व्यवहार में विवाद ही है, व्यवहार नहीं निभाते, इसलिए घर में आपके कोई नहीं आता, नहीं आता। फिर यदि बात करने लग जाए निश्चय की, फिर भी कोई नहीं आएगा। क्यों? अरे ये तो मुमुक्षु हो गए। नहीं, वास्तव में वही जीव श्रेष्ठ है जिसकी दृष्टि केवल आत्म द्रव्य पर है। यदि तिरना है मां, भैया, बिनी भाई, मोक्ष जाना है, तो ये दृष्टि सामने लाना पड़ेगी। ये दृष्टि है कल्याण दृष्टि। कौन सी दृष्टि? कल्याण दृष्टि है। मां वहीं बैठ जाओ,
कल्याण दृष्टि है। कौन सी दृष्टि? जो निश्चय दृष्टि है। जब लेकिन हर जगह उस वस्तु को मत लगाना, नहीं तो मानना कि आप आर्यकामा बन गए। और आहार करते समय आपने क्या देखा? हाथ में अंजलि में आपके बाल आ गया, बोले पुद्गल है, जो हम खा रहे हैं वो भी पुद्गल है, जो वस्तु खाने योग्य नहीं है उसको नीचे गिरा दो और जो खाने योग्य अंदर, अंतराय करोगे कि नहीं? नहीं करोगे। यदि ऐसी दृष्टि लेकर गए तो इसलिए सब पुद्गलों का अलग अलग अंतर समझने का आगम में कहा है, मल भी आ जाए भोजन में तो अंतराय करो, नहीं तो बिनी बन गए महाराज। बोले महाराज ने कहा था जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, सबको अलग अलग देखो, तो हमने उस पुद्गल को अलग कर दिया जो हमारे योग नहीं था, और जो ग्रहण करना था वो कर लिया। तो ये जीव है तो मुनि लेकिन मिथ्या दृष्टि है, ऐसे बनना नहीं। ठीक है, कोई एकांत की बात करता हो तो ध्यान से सुनना। कैसा? एक कथा सुनाते हैं इसी संबंध में। एक व्यक्ति गाय चराने गया, किसी का काम करता था। ध्यान से सुनना, कहीं आपके यहां ऐसे व्यक्ति तो नहीं है। और एक कथा और सुनाएंगे इसी बीच में। क्या बनी? एक ग्वाला किसी का काम करता था और गाय चराने गया, शाम तक लौटकर वापस आया। ऐसा उसने लगातार महीने, एक महीने तक किया। जो गायों का मालिक था उसे वह इस उद्देश्य से लेकर आया कि इसको हम 10,000 रुपये देंगे और अपना काम चलता रहेगा। लेकिन वो एकांती था। कैसा? सुनो, जैसे ही एक महीना हुआ क्या कहता है, राजकुमार भैया, बोले तुम कौन हो? बोले सेठ जी, एक महीने से काम कर रहा हूं। कह रहे कौन हो? बोले क्या काम कर रहे हो? बोले आपकी गायों को चराकर ले जाता हूं, एक महीना हो गया, आज मेरी पगार का समय है तो दो ना। बोले किसकी गाय? कैसी गाय? तुम कौन हो? ये शब्द उसने बोलना चालू कर दिए। अब ग्वाला बड़ा बेचैन हो गया, लेकिन उसने भी दिमाग चलाया। ठीक है, नहीं दो सेठ जी पैसे। लेकिन अगले दिन फिर गया, अगले दिन फिर गया गायों को लेकर के। वो समझ रहा था कि ग्वाला है, कोई जानता ही नहीं है। अगले दिन फिर पहुंचा, ले गया गाय। सुबह गया, शाम को वापस आया ही नहीं। अब सेठ जी परेशान, सुबह दूध कौन देगा? बहुत सारे लोग दूध मांगने आएंगे, किसको देंगे भैया? अब जैसे ही परेशान हुए सेठ जी, पहुंचे पहुंचे कहां पहुंचे? ग्वाले के घर पहुंच गए। ग्वाले ने सारी गायों को अपने घर के पिछवाड़े पे बांध रखा था। और जैसे ही पहुंचे क्या हुआ? सेठ जी पूछते हैं उसकी सेठानी से, ग्वालिन से, बोले ग्वाला कहाँ है? तो ग्वाले ने पढ़ा रखा था कि जब भी सेठ आए ना उनसे बोलना, पूछेंगे मेरे बारे में ग्वाला कहाँ है, तो कहना कौन ग्वाला, किसका ग्वाला। और जैसे ही पूछा सेठ जी ने, वो गाय है, देखा था, किसकी गाय है, कैसी गाय, आप कौन हो? ये सब बातें उनने प्रारंभ कर दी। जैसे ही सेठ जी को लगा, अरे हम तो ठगे गए, तो क्या हुआ? बोले बुलाओ ग्वाले को। अब वो समझ गई सेठानी भी कि अब सेठ जी को समझ में आ गया है, तो बोले जल्दी से
10,000 रुपये निकाले और वापस से गाय ली गई। इसलिए ऐसे एकांती लोगों से छले मत जाना जो एकांत से आपको मोक्ष मार्ग से दूर कर दे। मतलब क्या है, व्यवहार से जीना सीखो। निश्चय में बात तो कर रहे हो, निश्चय की बात तो कर रहे हो, करो, लेकिन वो विषय अपने लिए लगाना, दूसरों पर नहीं। समझाओ लेकिन लगाओ अपने ऊपर। आत्मा एक है, आत्मा एक ही है, लेकिन आत्मा अनेक रूप भी है। श्रुत, खड़े हो जाओ। आप एक हो कि अनेक हो? एक ही हो भाई, नहीं हो? नहीं हो भाई, हा? पुत्र नहीं हो? भाई हो कि नहीं? शिष्य हो कि नहीं? तुम तो कह रहे थे एक हैं हम, हाँ? आत्मा तो एक है, देखो वो भी समझ गया। निश्चय नहीं से तुम जान लिया कि आत्मा तो हमारी एक है, लेकिन पर्याय दृष्टि से आपके संबंध अनेक हैं, इसलिए आप एक भी हो और अनेक भी हो। बैठ जाओ। समझ में आया विषय कि नहीं? तो अनेकान दृष्टि ग्रहण करना। ऐसे ही एक बार और क्या हुआ, शुभम शादी हो गई क्या? नहीं हुई। करना है क्या? हाँ बोलो। शुभम, शुभम इधर देखो, रिकॉर्ड हो रहा है वहां, तो आवाज आ रही है। शुभम बोलो, शादी हो गई क्या? नहीं हुई। करना है क्या? नहीं करना है तो विचार कर लो, यहां आने में देर नहीं लगेगी, ठीक है? तो जैसे ही सुनो, माना कि तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम पहुंचे कहां पर? सासू जी के घर। सासू जी के घर पहुंचे और सासू माँ ने क्या किया? तुम भोजन करने बैठे थे और सासू माँ ने गन्ने रख दिए और सासू माँ ने गेहूं रख दिए, सासू माँ ने और क्या, जो जो सामग्रियां बनती हैं, किससे, जिन जिन सामग्री से पकवान बनते हैं, वो सारी सामग्री रख दी और क्या कहा, दामाद जी ये रखा है मीठा खाओ, ये रसगुल्ले रखे हैं, ये चमचम रखी है खाओ। वो समझता है, अब शुभम भी चालाक था, ठीक है माँ खिलाना नहीं चाहती, अब वो मुक्षु थी, वो वाले में मुक्षु, समझ रहे ना आप लोग, समझदार हो। क्या हुआ, अभी भूमिका चल रही है, अपन को सबको समझना है आगे, कौन से नए से हम क्या समझने वाले हैं, ये सारी व्याख्या आगे अभी चलेगी, लंबा विषय है। अच्छा समझ में आ रहा है ना, और आगे चलने दें, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं? तो नए को समझना है, क्योंकि देखो हम छले ना जाएं दूसरों से, इसलिए क्योंकि बिना नए के कौन सा भी ग्रंथ पढ़ लेना आप, आपका ज्ञान अधूरा है। इसलिए हमने नए की क्लास प्रारंभ की है। क्यों? अभी सामान्य से हमने विषय लिया क्योंकि आपको अभी एकदम भारी नहीं पिलाना था, थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं ना तो वो भी पचने लगता है, अब थोड़ा भारी देंगे तो समझ में आने लग जाएगा। आ रहा है सभी समझ में? समझ में आ रहा है? आपका नाम संजय भैया, समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? अरे समझ में नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा है, नहीं आधा भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन समझ में आएगा ना उस दिन तो हमारे बगल में बैठे होंगे, अभी केवल ज्ञान में आ रहा है ना माँ? समझ में नहीं आ रहा अभी, केवल ज्ञान में आ रहा है। तो क्या कह रहे थे, शुभम ने क्या किया, अब चलो भैया सासू खिलाना तो कुछ है नहीं, वो भी समझदार था, अब उसकी सासू की बेटी ससुराल आ गई, रक्षाबंधन का समय था तो साले साहब आए, किसके,
शुभम की, और क्या हुआ, क्या हुआ? अब कपड़े देने की बारी थी तो शुभम ने क्या किया, बढ़िया बिनौना लेके आ गए, कपास का वो होता ना टुकड़ा ऐसा, वो लेकर आ गए और क्या किया, लो भैया जी ले जाओ इसमें सारे कपड़े हैं, और कागज दे दिए और गड्डी बना दी, बोले सब नोटिस में ही है ले जाओ। वो सोचता है जीजा जी को क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गए? बोले तेरी मां ने ही सब सिखाया है। तो ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, बातें अंदर निश्चय की करते हैं लेकिन बाहर जाकर जीवन कैसा जीते हैं। एक और घटना आपको बतला देते हैं, समय आपका हो गया। एक घटना हुई, इंदौर की घटना है। समय था 7:50, समय हो गया 7:50, समय एक संपन्न हो चुकी थी। बाजू में एक क्लास चल रही थी कि पुद्गल पुद्गल भिन्न है, आत्मा हमारी गैर स्वभावी है, टंकोत्कीर्ण उसका स्वभाव है, उसमें किसी प्रकार के विकार नहीं है, जो भी है वो सब पुद्गल की परिणति है, कर्म आत्मा में बिल्कुल भी नहीं होते, हम तो निश्चय से शुद्ध है, हमारी आत्मा खाती नहीं है पीती नहीं है, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, उसे किसी प्रकार की भूख नहीं लगती, वो कुछ खाती नहीं पीती नहीं कुछ नहीं करती। और प्रवचन समाप्त हुआ, 7:51 पर लोग बाहर आए। सुनो भैया, संजय भैया क्या हुआ, बाहर लोग अमूल के बोतल की दूध लिए थे, बोतल आती ना अमूल की, और लोगों ने घटाघट लेना चालू कर दिया। कितने बजे, रात्रि के 7:51 पर उन्होंने क्या किया, किसको खिला रहे थे, बातें अंदर निश्चय की और बाहर व्यवहार झूठा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है, ये ध्यान रखना। तो जो लोग झूठा जीवन जी रहे हैं, बातें भले निश्चय की करें लेकिन वैसा जीवन भी तो होना चाहिए। बोलो मां, आपको तो व्यवहार चलाना पड़ता है, करते कि नहीं, झूठ बोलते कि नहीं, बोलते कि नहीं, बोलो। लेकिन उस झूठ में भी सच छुपा है, छुपा कि नहीं, आप स्त्री हो कि नहीं, बोलो आप स्त्री हो कि नहीं, स्त्री हो कि नहीं मां, मां पर्याय दृष्टि से कह लो हम स्त्री हैं महाराज जी, लेकिन आत्मा में किसी प्रकार का लिंग नहीं होता, आत्मा तो अलिंग स्वभावी है, उसमें ना तो स्त्री लिंग है ना पुरुष लिंग है ना नपुंसक लिंग है, इसलिए हम पर्याय से जरूर स्त्री हैं लेकिन हमारा विचार केवल अलिंगी आत्मा के ऊपर है, इसलिए उस स्वभाव को प्राप्त करना चाहते हो निश्चय दृष्टि से अपने भीतर जीना, व्यवहार का जीवन जियो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि व्यवहार के चक्कर में हमारी आत्मा कहीं भटक ना जाए। जैसे मोक्ष मार्ग में हम आए हैं, व्यवहार सबका निभाते हैं लेकिन लक्ष्य एक ही रहता है, कहां जाने का, केवल एक लक्ष्य है, हमें सिद्ध पद की प्राप्ति करनी है। जैसे कोई जीव यदि खेती करता है, गेहूं की खेती की कभी नहीं की ना, जो करते हैं उनको देख लेना, उन्होंने गेहूं की खेती क्यों की, कि गेहूं और प्राप्त होंगे लेकिन भूसा मिलता कि नहीं। तो हमारा लक्ष्य केवल मोक्ष जाने का है, बीच में स्वर्ग मिल जाए तो कोई बात नहीं, इसलिए जीवन जियो लेकिन दिखावे का नहीं, सत्य जीवन जीना है तो केवल नए दृष्टि से ही जी पाओगे।
इसलिए अपन सभी पुनः अब ये नए की कक्षा चलेगी। दो प्रकार के नए होते हैं, एक व्यवहार नए, एक निश्चय नए। इसकी व्याख्या कल करेंगे, आपका समय हो गया। कल का नियम पालन हुआ? मटर खा तो नहीं ली किसी ने? हाँ खा ली? हाँ नहीं खाई? अब जिनने खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन अब कल का नियम, कल केले के पराठे का त्याग है, ठीक है? केले खा सकते हो, केले के पराठे का त्याग है, ठीक है? और जाकर के भगवान की आरती करना, और एक जाकर के आरती करना, यही भावना बहना कि हे प्रभु, जैसा आपका द्रव्य गुण पर्याय है, वैसी पर्याय हमारी भी हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।